नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आपका स्वागत है एक्सेस भारत में। तो चलते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। रणबीर कपूर स्टारर ब्रह्मास्त्र रिलीज हो गई है। इस फिल्म को लेकर ऑडियंस और क्रिटिक्स का मिला जुला रिस्पॉन्स आया है। अब फिल्म को लेकर कंगना रनौत का रिएक्शन सामने आया है। कंगना के ब्रह्मास्त्र को दिए गए नेगेटिव रिव्यू को स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा, जब आप झूठ बेचने की कोशिश करते हैं। कंगना ने कहा, करण जौहर हर शो में लोगों को रणबीर आलिया को बेस्ट एक्ट्रेस और आयान मुखर्जी को जीनियस कहने को मजबूर करते हैं। लोग धीरे धीरे इस झूठ पर विश्वास करने लगे। करण ने 600 करोड़ रुपए एक ऐसे डायरेक्टर को दिए जिसने अपने करियर में एक भी अच्छी फिल्म नहीं बनाई है। कंगना ने आगे लिखा, अब उनकी गुटबाजी उन्हीं को ही काट रही है। शादी से लेकर होने वाली बेबी का पीआर किया, मीडिया को कंट्रोल किया, केआरके को जेल में डाला, रिव्यू खरीदे और टिकट भी खरीदे। ये लोग सब कुछ बेईमानी से कर सकती हैं, लेकिन एक अच्छी ईमानदार फिल्म नहीं बना सकती हैं। कंगना ने करण जौहर से लेकर आयान मुखर्जी तक पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आयान मुखर्जी को जीनियस बताने वाले को जेल में बंद कर देना चाहिए। इस फिल्म को बनाने में 12 साल लगे। उन्होंने फिल्म के लिए करीब 400 से ज़्यादा दिन का शूट किया। 600 करोड़ रुपए राख हो गए। वहीं कंगना ने एक खबर का स्क्रीनशॉट शेयर किया है। इसमें बताया गया है कि ब्रह्मास्त्र की वजह से पीवीआर और आइनॉक्स के इन्वेस्टर्स को 800 करोड़ रुपए नुकसान हो गया है। आयान मुखर्जी के डायरेक्शन में बनी ब्रह्मास्त्र 9 सितंबर को भारत की 5019 स्क्रीन्स और ओवरसीज में करीब 3894 स्क्रीन पर रिलीज हुई है। फिल्म के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स और स्टार स्टूडियो के पास है। 21 फॉक्स स्टार स्टूडियो के टाइटल से फॉक्स हटा दिया गया है। ऐसे में ब्रह्मास्त्र इस स्टूडियो के नए नाम के साथ रिलीज होने वाली पहली फिल्म है। वहीं फिल्म को वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर फिल्म द्वारा वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। भारत की 5019 स्क्रीन मिलाकर इसे ग्लोबली 8913 स्क्रीन पर रिलीज किया गया है।